तामा वाटन पिछले छली पली फिर गाना नहीं इसको सोनी सुनखी दिवस के नारा बारिश मजा मोजो खरायो हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन केम छो असल पर छू माई सेल्फ करीम मीर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप सो ऑल आर फाइन। तो तैयारी हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 3:30। अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पहले पोंच, तो वहां से हम निकलेंगे इंशाल्लाह श्रीनगर की तरफ। तो बैग वगैरह जो है हमारे ये तैयार हो गए हैं, तो फयाज भाई भी आ गए मेरे साथ। यहाँ से हम निकलेंगे पहले पोंच, वहां से हम निकलेंगे इंशाल्लाह, शुरू करेंगे अपने मोटो व्लॉग। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। अब मैं आपको पुंछ जाके मिलूंगा, क्योंकि रास्ते का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि बहुत अंधेरा है रास्ते में। तो फाइनली जो है मैं आसिफ के घर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी पब्लिक जमा है, फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी जमा है, वो भी निकलेंगे इंशाल्लाह। मैं बताऊँगा अभी आपको, फुल तैयारी में है सारे। तो अभी कुछ टाइम में हम यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर की तरफ। ये देखिए आप, इंतज़ाम जो है पूरी तरीके से हो चुका है हमारा। बैग शेग तो हम ऑन द वे हो चुके हैं श्रीनगर के लिए। ये देख रहे हैं पीछे ये सब बाइकों वाले जो भी हैं, ये लड़के हमें दोस्त यार सारे ये भी रेडी हैं। अब निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। हम अभी पहुँचे हैं कलाई ब्रिज के पास, तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। पहुंच चुके हैं मुगल रोड, जो रोड है मेन रोड शुरू होती है बकलियाज से। तो हम 5 मिनट की ब्रेक के लिए यहाँ रुके हैं, तो 5 मिनट हम यहाँ ब्रेक करेंगे, फिर से निकलेंगे हम यहाँ से। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो टाइम बच चुके हैं सुबह के 7:30। तो हम आ गए हुए अभी कहाँ पहुँचे हम, बहराम गला। अभी यहाँ थोड़ी चाय पियेंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ठंडी महसूस हो रही है। तो अभी हम पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से आगे। यहाँ पे चेक पोस्ट भी है, देखते हैं उनसे क्या बात होती है, वो क्या बोलते हैं, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह हम आगे की तरफ। अभी हम आ गए हैं पनर ब्रिज पे, ये हम क्रॉस कर रहे हैं पनर ब्रिज। तो हम निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, न जाने आगे परमिशन मिलेगी हमें श्रीनगर जाने की या नहीं। तो इन पहाड़ों पे राइड करने का कुछ मज़ा ही अलग है, क्या ही बताऊँ आपको कितना मज़ा आ रहा है राइडिंग का। जस्ट हमने रीच किया है पोशाना, तो यहाँ थोड़ी छल्ली वगैरह बनती, थोड़ा इंजॉय करेंगे छल्ली को भी। उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से कंटिन्यू पीर गली। तो अगर पॉसिबल हुआ तो कश्मीर के लिए इंशाल्लाह निकलेंगे हम। फ़िलहाल जो है हमने जो रखी है फर्स्ट डेस्टिनेशन वो पीर गली है, तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बड़ा मज़ा आने वाला है वीडियो में। वीडियो कंटिन्यू देखें तो इंजॉय करें। ये हमारे आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे आज आप? तामा वाटन पिछले छली पली फिर गाना नहीं इसको सोनी सुनखी दिवस के नारा प्यार है ना। श्रीनगर यमो कोर ड्राम पे बोर्ड साइकिल मज ये पैंट ना गाँव हर हूँ वो फसे शुरू क्या आगे ला कैमरा। तो हमारी जो राइडिंग है वो कंटिन्यू है। अभी हम टच कर रहे हैं छत्ता पानी ब्रिज, ये क्रॉस कर रहे हैं अभी हम इंशाल्लाह। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी रास्ते में, एक बंदे का टायर पंचर हो गया था तो थोड़ा लेट हो गए हम। टाइम तो लगभग 10:15 के आसपास है। तो बने रहे वीडियो के साथ, कंटिन्यू मज़ा ले पूरा मेरी वीडियो का। तो ये रहा छत्ता पानी का ब्रिज, अभी हम ये क्रॉस करेंगे, उसके बाद निकलेंगे पीर गली, फिर इंशाल्लाह आगे शुपिया वगैरह। तो हम पहुंच गए हैं पीर गली। अभी वाह क्या मौसम है, क्या सीन है यहाँ का। अब देख रहे हैं कितनी खूबसूरती है। तो थोड़े बहुत बादल भी हैं, देखने लायक यहाँ का नज़ारा है। तो ये सामने जो है ये रही ज़ियारत पीर की गली। तो अब इंशाल्लाह हम जाएंगे ज़ियारत पे, पहले ज़ियारत करेंगे फिर निकलेंगे इंशाल्लाह हम वापस नहीं सॉरी कश्मीर की तरफ, टुवर्ड कश्मीर। अभी हम पहुँच गए हैं शोपियां डिस्ट्रिक्ट में, आई थिंक हीरपुरा है शायद ये। तो अभी यहाँ से आगे हमें नहीं मिल रही है परमिशन जाने की, कि आगे लॉकडाउन है बोल रहे हैं। यहाँ अभी हमें मिले थे SHO, तो उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। तो अब हम कहीं बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ से वापस निकलेंगे। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आगे लॉकडाउन है, आगे नहीं जा सकते। आई होप आपको ये पीछे वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी हम कहीं बैठ के खाना खाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से वापस। तो फाइनली काफ़ी कोशिशों के बाद हम वापस जा रहे हैं। आगे जाने का कोई भी चांस नहीं था क्योंकि लॉकडाउन है, प्रॉपर लॉकडाउन है। जो यहाँ के SHO हैं हीरपुरा के, इनने हमें साफ मना कर दिया। अब हम जाएंगे कहीं आगे वापस, कहीं बैठ कर खाना वगैरह खाएँगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे फिर खाना खा के हम वापस घर की ओर। फिलहाल हम हीरपुरा से ही निकल रहे हैं। अभी जस्ट हमने यहाँ पे रिटर्न बैठ लिया, तो यहाँ बैठेंगे हम खाने के लिए। तो पानी देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा पानी है, अब थोड़ा पानी भरूँगा मैं, ये पानी के बगैर तो खाना खाया ही नहीं जाएगा। पानी भर लेते हैं पहले। खराब है हो गया फिनिश। अब हम जाएंगे थोड़ा करेंगे फ़ोटोशूट, उसके बाद निकलेंगे वापस। के मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बारिश के काफ़ी चांसेस हैं, तो निकलते हैं। तो ये रहा दुबचन ब्रिज, अब हम निकल रहे हैं वापस घर की ओर। We are on the back on track, way to home। हम निकल रहे हैं वापस। तो अभी हम थोड़ा पीछे ये पीर गली से, जल्दी हम पीर गली पहुँचेंगे। बाकी जो यहाँ का पानी और हवा वो सब मत ही पूछे आप। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा इंजॉय किया हमने, राइडिंग किया मैंने, मैक्सिमम मैंने राइड किया यहाँ से वहाँ से। जब हम जा रहे थे तो अभी शायद वही राइड कर रहे हैं, तो मैं इनके पीछे बैठा हूँ। तो बाकी यार बहुत खूबसूरत जगह है कश्मीर, बाकी जगह की तारीफ करो उतनी कम। बारिश मज़ा मौजूद खरायो। तो पीर गली से बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी, तो अभी आप देख रहे हैं पीछे मौसम कितना ख़राब है। तो आपको कुछ पीर गली के जो शॉट्स हैं वो नहीं दिखा पाए, कि मतलब हाथ में ठंडे हो गए थे कि बाइक नहीं चल रही थी, इतनी जलन हो रही थी हाथों में, क्या ही बताएं। आप हालत देख ही रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और बर्फ़ हो रही थी पीर गली में। तो इसलिए जो सीन थे पीर गली के वो अच्छी तरीके से आपको नहीं दिखा पाए। तो अब हम थोड़ा नीचे आ गए, पोशाना थोड़ा नीचे। अब थोड़ी बहुत धूप निकली है, थोड़ा यहाँ थोड़ा गर्म होंगे वो कुछ फ्रेंड्स। बाकी जो उनकी एंट्री हो रही है पीछे, तो वो आएंगे, फिर हम यहाँ से साथ में निकलेंगे। बाकी फ्रेंड्स जो थे मेरे पीछे, अब वो भी आ गए हैं। सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं इनकी हालत क्या हो गई है। तो बिल्कुल हाथ जो है ना ऐसे हो गए, ऐसे उन्हें सीधी नहीं हो रही है। तो कैसे कांप रहे, बहुत ज़्यादा ठंड, तो अब भी फिर से धूप चलेगी। अब निकलने की कोशिश करेंगे ऐसा ऐसा, ना जाने आगे कितनी और बारिश हो जाए, तो कोशिश करेंगे निकलने की। अगर हो पाया तो पॉसिबल आपको कुछ सीन दिखाने की। तो हमने थोड़ी आग जलाई अभी यहाँ पे आके, तो कपड़े पूरे गिले हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो सुखाएंगे इनको, फिर निकलेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। अब धूप भी लग गई है, तो आग भी जला ली है हमने। ओ उसको तो बकरा पैंट चेंज यार, बकरा पैंट चेंज रुक करो का चेंज यार, कम ही तो हाथ नहीं चेंज वासी की गासन ना पैंट करो चेंज। ये आखिर ना पर ड्रॉ कर बार बार निचोड़ो का करना पड़ता है। धूप है अल्लाह की कसम, इमाम बाइक से पियो यार रोस्ट आशीष बने। अब और ओस पावे तूड़स लगन लेमस गसी में जी, मगर पे जो ये हुई नाराज में बेगस वाला घर मुकिन से अजगड़ी गई सुबह ना ओए गई सुबह ना जो दिन ओए गो मशीन मगर आप आज से ही taponar esse corte de gasto जरा बतरो का बोला ना यार बागों से ठीक हुए। तो हम पहुंच चुके हैं जल्दी मार्ट। अभी हम यहाँ चाय पियेंगे, नमकीन चाय। तो काफ़ी सर दर्द भी हो रहा है, ठंड काफ़ी थी ऊपर, आपने देखा होगा पीछे वीडियो में कितनी बारिश थी। चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सेफली घर पहुंच गए थे कि रात को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। जो ही मैं आया वास्तव में सो गया, मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाया। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अभी जस्ट मैं जागा हूँ। शाम को जो ही मैं लेटा था तो उसके बाद मुझे कोई होश हवास नहीं है अभी तक, अभी जस्ट ही मैं जागा हूँ। तो वीडियो में आपको आई होप सब कुछ अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। सर्दी बहुत ज़्यादा थी पिर गली में, तो ग्लोव्स वगैरह नहीं थे हमारे पास। हमें लगा मौसम साफ़ है तो बारिश नहीं होगी। ठंड बहुत थी, बहुत ठंड थी, मतलब हाथों को जलन पड़ रही थी कि वहाँ पे बर्फ़ होना शुरू हो गई थी, स्नोफॉल शुरू हो गई थी वहाँ पे। तो बाकी एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। होप सो आपने भी मेरी वीडियो से एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन है उसको भी दबा दें। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।